आज का व्लॉग जो है ना बड़ा स्पेशल होने वाला है। सऊदी अरब में मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स डेकोर वगैरह कैसे करते हैं और मैं अपनी पहली सारी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और इन सबसे ज्यादा जो लास्ट ईयर मैंने एक गलती की थी वो गलती इस मरतबा नहीं दोहरा रहा, और इस मरतबा जल्दी मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। अब ये सब और जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कल जदीद से शुरू करेंगे। हम ये सारी चीजें हम लोग ले आए हैं जी, जो रमजान की प्रिपरेशन है उसके मामले में। ये जो है ना, इसमें ड्रिंक होगा जामिशिरे या रूह अफजा, इन दोनों में से। वैसे इनमें होता कौन सा बेस्ट जो हम लोग रखें, जामिशिरे या रूह अफजा? और यहाँ पे हमारा बुफे का सिस्टम होगा जो अभी यहाँ पे रहता है, कपड़ा लगाना जिस तरह वहाँ पे लगा। रमजान स्पेशल कपड़ा होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है नवरना रमजान। तो इस टाइप का टेबल बनेगा जो यहाँ पे बना भी रहे और ये सारा वहाँ से वहाँ तक बनेगा। और ये जो कॉर्नर है ये हमारा पुराने बुफे वाला ही होता है, उस पर हमारी मेन आइटम्स हम लोग रखेंगे यहाँ पे। दिस ब्यूटीफुल लैंप्स, जो काले जो होते हैं ना ये सूप के लिए होते हैं। दीज आर ऑल फॉर द सूप। इस साल का हमें शक है हमारे पास बहुत ज़्यादा रश पड़ेगी, इसलिए हमने दो साइड पर बुफे लगाए हैं, एक तो ये बैक साइड पर और उसके बाद जो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। ये जो चीज़ है ना आपको हर रेस्टोरेंट में और तकरीबन हर मार्केट में नजर आएगी, क्योंकि इसके बगैर रमजान इनकम्प्लीट होता है। ये जो पूरी डेकोर का लगा हुआ है हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ है, सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। इस मरतबा जो है ना शॉपिंग रमजान के लिए मैं पहले ही कर रहा हूँ। लास्ट टाइम में की थी तो गरम मसाले की जगह बिरयानी मसाला डालना पड़ा, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए खामोश हो जा, हमें आज ही शॉपिंग करनी चाहिए इंशाल्लाह। तो हम लोग चल रहे हैं फेवरेट मार्केट में इंशाल्लाह। अभी तक तो सबको कंफर्म हो ही गया होगा कि मेरी फेवरेट मार्केट। और जैसे आप सबसे पहले एंटर होते हैं तो यू फाइंड अ लॉट ऑफ स्टिकर्स सेइंग रमजान मुबारक, जिस तरह ये लिखा हुआ है रमजान मुबारक। और ये फानूस जो है ना, बड़े आइकॉनिक चीजें रमजान की सऊदी अरब में। जैसे आप इंटर होते हैं ये ब्रोशर आपको नजर आता है और यहाँ पे भी फानूस पड़ा हुआ है रमजान का। सलाम, क्या है? ठीक है, मुझे लगा बहुत ठीक ठाक रश होगी लेकिन रश तो बिल्कुल नहीं है। चलिए अच्छी बात है, मेरे ख्याल से रात को होगी रश। अच्छी भी ले ली। सऊदी अरब में रमजान की खास बात ये होती है कि तकरीबन हर चीज़ के ऊपर जो है ना डिस्काउंट दिया होता है इन्होंने। सही है, देखें ये स्पेशल ऑफर में 33 रियाल पहले था और अभी 17 रियाल 50 ला रहे ये केक का पाउडर, लेकिन हम नहीं लेंगे, वी डोंट नीड इट। ये देखें ये गोश्त की आइटम है मीट बॉल्स, इनके ऊपर भी ऑफर लगी हुई है। तकरीबन हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे ऑफर लगी हुई होती है। सुनने में आया है कि हमारे यहाँ जो है ना ऑफर नहीं लगते बल्कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सऊदी अरब में अलबत्ता सस्ती हो जाती हैं। ये जो चीज़ें मैं पहली मरतबा नोट कर रहा हूँ, डाइट फूड के एरिया में पेप्सी पड़ी हुई है, मैक्स टेस्ट नो शुगर। वाह, ये बहुत लाजमी होता है यार, क्योंकि सेल इतनी अच्छी चल रही थी कि सारे तलाजी जो है ना खत्म हो गए। फिनिश्ड जी, पाकिस्तान की आइटमें जो है ना वो भी यहाँ पे। रमजान में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो खजूर होती है, तो ये बहुत सारी खजूरें पड़ी हुई हैं। इन सब खजूरों में से एक जो है ना हमने चूज़ करनी है, तो मैं चूज़ करूँगा अजवा, मदीना की अजवा। नहीं, ये अजवा नहीं है यार, कोई और है, अजवा इधर है, अजवा ही है ना। ये सुकरी होती है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, हमें घर में बहुत पसंद की जाती है। ये भी ले लेते हैं, काफ़ी 10-20% डिस्काउंट दिया हुआ है हर चीज़ के ऊपर तकरीबन। ओह, ये भी फानूस है, ये देखें, ये किंडर बॉय ने वालों ने फानूस बनाया हुआ है। ये तकरीबन हर मॉल में आपको नजर आएंगे, गिव्स अ गुड मंजर, पूरे साल में ऐसा नहीं होता। छोटी ट्रॉली में हमारा सामान कम आ रहा था तो इसलिए हमने ये जी बड़ी ट्रॉली, और ये सब इन साहब की वजह से हुआ, जो साहब इधर है ना अहमद साहब, इनकी वजह से, क्योंकि ये भी शॉपिंग करने के लिए आ जाए हुए हमारे साथ। ये जी अहमद साहब, ओके। अभी ये साहब और जाने गए देखने के लिए, मुझे लगता है सारा चॉकलेट सेक्शन जो है ना खत्म करके ही आया। ये ले जी, मार्केट के अंदर पराठे भी आ गए, मुख्तलिफ किस्म के पराठे जी, प्लेन पराठा है, ये ऑनियन का पराठा है, मुख्तलिफ किस्म के पराठे। आपको पता है जिस तरह हमारे यहाँ रूह अफ़ज़ा होता है और जामिशिरे होते हैं ना, अरबों का भी एक खास किस्म का ड्रिंक होता है। ये टूनो, विम्टो, विम्टो और टूनो, 13 रियाल का है और 12 रियाल का है टूनो। और इस रमजान में हम लोग साथ साहब को भी लाएंगे और उनसे डिफ्रेंशिएट करवाएंगे कौन सा बेहतर है, ये या रूह अफ़ज़ा या जामिशिरे, आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह। फिलहाल तो ये हम लोग एक ले लेते हैं, सारी चीजें ली है लेकिन सब दिखाने के काबिल नहीं, रमजान में हमें खास जरूरत पड़ती है। बाकी अहमद की शॉपिंग, इधर काफ़ी घरों में जो है ना बहुत अच्छी डेकोर वगैरह बाहर की हुई है लेकिन लोगों के घर में दिखा नहीं सकता यूट्यूब के ऊपर, मैं अपना घर जरूर दिखाऊंगा। वहाँ पे कॉर्नर पे थोड़े से रमजान की आमद की डेकोरेशन वगैरह की है। One hour later. मार्केट और अल जदीद और स्ट्रीट्स की तो देख ही आप, घरों में भी अक्सर डेकोर की जाती है और इस साल पिछले साल की तरह हमने भी घर में डेकोर की है। आज मेरे लिए सरप्राइज था मेरी फैमिली की तरफ से, क्या जबरदस्त डेकोर की है।
खैर ये तो थी हमारी छोटी रमजान की सेटिंग, जो टेबल के ऊपर है वो तो सहर के वक्त मैं आपको दिखाऊंगा जब हम सहरी करेंगे, लेकिन अभी वक्त होने वाला है ईशा का और आज हमारी पहली तरावी है, तो वीडियो बनाने के चक्कर में ईशा की नमाज ही ना निकल जाए। वुजू करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद देखते हैं। जब भी मस्जिद जाता हूँ कोई ना कोई परफ्यूम जरूर लगाता हूँ। ये है जस्ट ऊद वालों की, बहुत जबरदस्त है, खुशबू बहुत अच्छी रहती है, ऊद की खुशबू है इसमें, प्योर ऊद, जस्ट ऊद। मस्जिद जाते हुए खास किस्म की खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ गया, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि इस रमजान में हम ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें। यह है मस्जिद हमारी, ये प्यारी मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जमात नहीं शुरू हुई, इस मरतबा रमजान की अक्सर तरावी इसी मस्जिद में होंगी इंशाल्लाह। तो सहरी के लिए जी हमारे पास बड़े मजे मजेदार खाने हैं, अपने देसी खाने। ये जनाबे अली हमारे चिकन फ्राइड राइस, ये है कढ़ाई बनाई हुई है इन्होंने, और अगर चने ना हो सहरी का मज़ा नहीं होता, यही कहते हैं ना हम लोग। मेरी प्लेट, इसमें ग्रीन टी है और इसके अंदर कुछ स्पेशल पड़ा हुआ है। गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर ये पराठे ना हो और ये चने ना हो सहरी सहरी नहीं होती है ना, पराठा और ये सब कुछ, ये आज हमारी सहरी पहली सहरी का खाना है। पहले हम लोग लेंगे जनाब आली अपने चिकन फ्राइड राइस, ये रखे हमने अपने फ्राइड राइस, फ्राइड राइस के ऊपर डाली अपनी चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई की मुर्गी के ऊपर, चम्मच लेने के बाद इसको काटा, इसको मिक्स किया जैसे हम लोग मिक्स करते हैं, और अगर इसके ऊपर हम लोग चने डाल दें क्या होगा। अरुण आप किस वक्त देख रहे हैं, होप आप उस वक्त देख रहे हैं जब आपने रोजा ना रखा हो, दुश्वारी ना हो वीडियो देखते हुए। सो बिस्मिल्लाह, तो ऑप्टिमल बाइट कहते रहते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मैं सहरी करता हूँ इंशाल्लाह, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, रमजान में ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा व्लॉग्स बनाऊं। सो टेक केयर, अपना सब ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, और रमजान मुबारक सबको।